हाँ जी, which lectures I think new media. You think? Yeah, I'm not sure. Oh my god, thank you. हम जब किसी का हाथ थाम लेते हैं पहले बोलते हैं. रेडी हो गया हूँ अपने कॉलेज जाने के लिए. नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है. हाउ आर यू भारत, दिस इज विशाल द वे. अभी बज चुके हैं 8:30 और अब मैं निकलने वाला हूँ अपने कॉलेज के लिए. तो जल्दी से चलते हैं, जो भी होगा वो आप सभी लोगों को मैं दिखाऊंगा. काय को टेंशन ले रहे हो, विशाल इज ऑलवेज अप यू बार. आज क्या होता है कॉलेज में ये देख लेते हैं. कल वैसे हम लोगों ने शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली है. अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो आके देख सकते हो. तन्ना धवल भाई वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो वो भी जाके देख सकते हो, काफी कमाल का वीडियो है. तो अभी चलते हैं कॉलेज और देखते हैं जाओ. तो मैं अभी नाश्ता कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ से मैंने नाश्ता लिया है अपने कैंटीन से. किसका फोन आ रही है? ओहो, शैली का फोन आ रहा है. चलिए, शैली जी ऊपर है, वो कॉल कर रही है. ऊपर क्लासेस शुरू होने वाली है. 9:30 बजने में करीब 10 मिनट बचे हैं. शैली जी का कॉल आ रहा है तो जल्दी से अपन को नाश्ता खत्म करना पड़ेगा. ये देखो थोड़ा सा बचा है, उसके बाद अपन चाहेंगे क्लास, क्योंकि निखिलेश सर का लेक्चर है तो लेक्चर अटेंड भी करना पड़ेगा ना बॉस. मैं अभी क्लास में आ चुका हूँ, ठीक है. यहाँ पर सर आएंगे और पढ़ाना शुरू कर देंगे. यहाँ पर सभी दोस्त लोग बैठे हुए हैं. ओमर भाई बैठे हुए हैं. ओमर भाई, पढ़ने के लिए तैयार हो? एकदम तैयार, एकदम तैयार. जिल मैडम बिजी हैं अपने में, शैली मैडम बिजी हैं. हाय हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. विशाल सर का जोश काफी ठंडा है, पता नहीं क्यों. इतनी तो ठंडी भी नहीं है जितना इनका जोश ठंडा है. अरे कोई नहीं कोई नहीं, अभी अभी उठ के आया हूँ ना, इसलिए अभी थोड़ा देर रुको, आराम से जोश आएगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहा के भी आते हैं तो इनको पढ़ने दो. अभी सर का हम लोग वेट कर रहे हैं. जैसे ही सर आते हैं ना, वैसे ही हम लोग यहाँ पर लेक्चर में बैठेंगे और आराम से पढ़ाई करेंगे. भाई साहब 9:30 से 10:30 की क्लास होती है, उसके बाद दूसरी भी क्लास है हमारी शायद. तो अगर होती है तो उस क्लास को भी हमको अटेंड करना पड़ेगा. तो अभी इसको अटेंड करते हैं. One eternity later. तो अभी हमारा पहला लेक्चर कम्प्लीट हो गया है और दूसरे लेक्चर के लिए हम लोग जा रहे हैं. या तो लैब जाएंगे, ठीक है, या फिर तो गार्डन में जाएंगे, क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिकल लेक्चर है. या तो हम लैब में बैठ के प्रैक्टिकल्स करेंगे या फिर तो गार्डन में जाके, नीचे गार्डन है वहाँ पर जाके प्रैक्टिकल्स करेंगे. तो अभी देखते हैं मैम कहाँ लेके जाती है. बाकी यहाँ पर हमारा पहला लेक्चर तो कम्प्लीट हो गया भाई. नीलम मैम कैसे हो? लेक्चर ही लेक्चर अटेंड करने पड़ते ना. पेपर है बेटा 17 से, पढ़ेंगे नहीं तो लिखेंगे क्या. अरे सही बात है, सही बात है, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. पढ़ेंगे बिल्कुल बिल्कुल, पढ़ेंगे पढ़ेंगे. ओहो, भरत मिलाप. चलिए, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं देखा है, अटूट बंधन है. उमर भाई आपकी चेन खुली हुई है. उमर भाई चेन खुली है उमर भाई. तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल्स करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है. वहाँ पर देखो रिफ्लेक्टर वगैरह लेके पूरा ग्रुप जा रहा है, हमारी पूरी क्लास जा रही है और चित्रांशी मैम हमको लेके जा रही है प्रैक्टिकल करवाने के लिए. तो अभी देखते हैं कैसा जाता है अपना प्रैक्टिकल. वैसे अच्छा तो जाना चाहिए. अभी क्या क्या करते हैं वो सभी चीज़ मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा. टेंशन काय को लेने का भाई, विशाल इज ऑलवेज फॉर यू. अंदर जाके देखते हैं. अरे भाई रिफ्लेक्टर अंदर लेके जा रहे हैं गार्डन में. देखिए तो यहाँ पर शैली जी को खड़े किया गया है और अभी चल रहा है प्रैक्टिकल. तो अभी देखते हैं रिफ्लेक्टर में किस तरीके से. यहाँ एक्चुअली रिफ्लेक्टर का काम क्या होता है पता है? वो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है जिसकी आपको फोटो खींचनी है, जिसका आपको वीडियो शूट करना है, क्या होता है सन का जो ब्राइटनेस होता है ना वो बहुत ज्यादा हार्श होता है. सन जब पड़ता है किसी सब्जेक्ट पे, जैसे कि उमर भाई वहाँ पर खड़े हैं, उन पर अगर सन पड़ेगा तो वो बहुत ही ज्यादा ग्लो करेंगे. लेकिन इससे अपन क्या कर सकते हैं, उसको एक तरीके से उनके ग्लो को संभाल सकते हैं, जैसे कि कैमरे के सामने वो ज्यादा हार्श ना लगे और आपका जो सब्जेक्ट है वो अच्छा लगे, ठीक है. तो ये चीज हम अभी कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स, काफी मजा आएगा. अभी मेरी बारी है शायद बताने की. यस मैम.
क्लास हमारी खत्म हो गई है और अभी ये हमारा तीसरा लेक्चर जिससे हम सभी लोग अटेंड कर रहे हैं। हाय हाय हाय। तो अभी सर आएंगे फिर अपन लेक्चर अटेंड करेंगे। चलो सर का वेट करते हैं। हाँ जी, या आई एम अ ब्लॉगर। व्हिच लेक्चर इज दिस? आई थिंक न्यू मीडिया। यू थिंक? यू आर नॉट श्योर? या आई एम नॉट श्योर। नो, यू हैव टू बी श्योर। या श्योर। आई मे अफ्रेड टू टेल यू दिस दैट दिस आंसर ऑफ योर्स इज करेक्ट। ओह माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू। हाँ छोड़ोगे? छोड़ दो भाई। अरे 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 भाई, दर्द कर लिया मेरे को हाथ। हम जब किसी का हाथ थाम लेते हैं दिल बोलते हैं। अरे अरे अरे, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सर आ गए हैं, अभी अपन को क्लास अटेंड करना पड़ेगा। तो लेक्चर्स हमारे खत्म हो गए हैं। ओके, अभी लंच हो गया। हाँ खत्म नहीं हुए मेरी माँ, लंच। हाँ यहाँ पर बहुत ज्यादा वाइब्रेंसी है, तो बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जिल मैडम को अभी खाना खाने दो, उनका दिमाग खराब हो रहा है। देखो मेरा तो क्या प्लान है, संन्यास लेना है, खाना खाते संन्यास लेने जाना है। हिमालय पे थोड़ी सी कुटिया है, वहाँ पे जाके जपनाम करना है। अगर तुम अभी थोड़ी देर पहले हाथ मांग रही थी कि हाथ थाम लूंगी छोड़ूंगी नहीं, और अभी संन्यास लेने का। तुमने थमाया नहीं ना, तो मैंने संन्यास ले लिया। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। अरे अरे मैडम क्या करे अब, जिंदगी ऑफ कैमरा बोलूंगा। तो अभी लंच हो गई है और हम लोगों का खाना आ चुका है। आज सबने पंजाबी थाली ऑर्डर की है, वैसे तो मैं ही खाता हूँ। हाँ बोलो। हर भारतीय मेरे भाई बहन है। वाह, बहुत बढ़िया, ऐसा प्लेज लेते समय ही बोलने का। चलो तो अभी